सक्सेस रेट बीजेपी शासित प्रदेशों में बहुत ज़्यादा रहा है, पहले कर्नाटका, बाद में महाराष्ट्र, बाद में मध्य प्रदेश और अभी हरियाणा। पब्लिक मीटिंग देखा जाए, कर्नाटका में बल्लारी में हुआ, महाराष्ट्र में शेवगांव में हुआ, मध्य प्रदेश में उज्जैन में हुआ और यहाँ पानीपत में हुआ। पब्लिक मीटिंग के आधार पर मैं कह सकता हूँ विश्वास के साथ कि बीजेपी शासित प्रदेशों में भारत जोड़ो यात्रा को बहुत उत्साहजनक और बहुत उम्दा स्वागत मिला है जन समाज के हर वर्ग से। राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए नहीं, राहुल गांधी जी तीन बातें कर रहे हैं, तीन मुद्दों पर वो ज्यादा अपने भाषणों में, भाषण नहीं, जो नुक्कड़ सभाएं होती हैं, जो पत्रकार सम्मेलन हैं, उनमें तीन मुद्दे पर वो जोर दे रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे देश में आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, हमारे देश में सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और हमारे देश में आज राजनीतिक तानाशाही हकीकत बन गई है, तो इससे हमारे लोकतंत्र पर खतरा है, हमारे देश के लिए खतरा है, समाज के लिए खतरा है और भारत की टूटने की संभावना बढ़ रही है। इसलिए क्योंकि ये सवाल बार बार उठता है, भारत तो टूट नहीं रहा है तो आप भारत जोड़ो यात्रा में क्यों निकले हो, तो हम ये कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा इसीलिए निकाला गया है क्योंकि जो खतरे पैदा हुआ, जो जानबूझकर प्रोत्साहन दिया जा रहा है सामाजिक ध्रुवीकरण, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर, और जो प्रधानमंत्री की नीयत और नीतियों के कारण आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, और जो संविधान, अभी देखिए मेरे पीछे यहाँ एक संविधान का प्रदर्शन लगा हुआ है, तो संविधान का नज़रअंदाज किया जा रहा है, संवैधानिक मूल्यों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, संवैधानिक प्रावधानों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर किया जा रहा है, तो इसी पर बार बार राहुल जी जोर दे रहे हैं ताकि जनता को उजागर कर सके और लोगों में ये संदेशा पहुंचा सके, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, महंगाई से नाता तोड़ो भारत जोड़ो, झूठे वादे छोड़ो भारत जोड़ो। तो ये सब एक हमारे लिए एक जनसंपर्क कार्यक्रम है, एक जन आंदोलन है। सर ये बात तो आप कह रहे हैं कि इसके रिजल्ट्स विपक्ष के बयानों से भी आ रहे हैं, क्या शरद पवार साहब कह रहे हैं, वो बयान दे रहे हैं कि एक राहुल गांधी ने एक बड़ा बीला उठाया है भारत जोड़ो यात्रा, शत्रुघ्न सिन्हा, भारत जोड़ो यात्रा में एक ही बात, कर्मण्येवाधिकार, हम कुरुक्षेत्र में है और कुरुक्षेत्र में ये ज्ञान भगवान कृष्ण ने दिया था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यही भारत जोड़ो यात्रा की मानसिकता है। काम करो, भारत जोड़ो यात्रा में लगे रहो, चलते रहो, नतीजा क्या होगा, चुनाव पर क्या असर होगा, विपक्ष की एकता पर क्या असर होगा, वो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन इन दोनों नेताओं के बयानों को कैसे देखते हैं? सकारात्मक है, सकारात्मक है। कई आलोचक ऐसे तो देखा जाए कि राम मंदिर के महंत ने भी स्वागत किया है, वीएचपी के कई नेताओं ने भी स्वागत किया है, इसके कारण मोहन भागवत को अलग अलग मुस्लिम नेताओं से मुलाकात की, जेपी नड्डा छिपके छिपके दरगाह भी चले गए और गडकरी जी आर्थिक विषमताओं के बारे में बात कर रहे हैं, आचार्य क्या है हमारे पतंजलि के बाबा रामदेव ने भी इसका स्वागत किया है। ठीक है, समाज के कई लोग भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया है, हमारे समर्थकों में तो नई उत्साह आई है पर हमारे आलोचक भी अभी आज सकारात्मक बयान दे रहे हैं, अच्छा है, बयान अलग बह रही है और इसके इन बयानों के पीछे हमारा कोई हाथ नहीं है, वो अपने आप कर रहे हैं। तो इस मतलब आप मान रहे बयान चेंज हो रही है भारत जोड़ो यात्रा के बाद, यात्रा के बाद कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए खासतौर पर बयान? नहीं, नहीं, ये कांग्रेस पार्टी के लिए और हमारे भारतीय राजनीति के लिए एक परिवर्तनकारी क्षण है, ये एक जलवायु परिवर्तन आपको महसूस हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।